खबर सीहोर मध्य प्रदेश है। शासकीय मनोबल कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया, जिसमें 57 मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र बनाए गए। सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन। कलेक्टर प्रवीण सिंह जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। कलेक्टर ने कहा सीहोर शासकीय सीएम राइज मनोबल कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय सीहोर में कलेक्टर प्रवीण सिंह मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र में 5 तथा पूरे जिले में 57 केंद्रों का आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने छात्र छात्राओं को कहा सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन है। पढ़ाई के लिए कड़ाई टाइम टेबल बनाया जाए और टाइम टेबल का कड़ाई से पालन करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कठिन परिश्रम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। लगातार अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ेगा और दुगने उत्साह के साथ पढ़ाई। वही कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र की 10वीं तथा 12वीं विज्ञान गणित कला तथा वाणिज्य कक्षाओं में जाकर छात्राओं से संवाद। जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो आने वाली है और 2 साल में जो है कोविड में काफ़ी नुकसान बच्चों का हुआ है, तो बच्चों की जो टेस्ट देने की आदतें हैं, बच्चों को अच्छे से तैयारी करानी है, उन सब चीज़ों को फोकस करने के लिए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स से अनुरोध किया है कि वो लोग जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे और इन एक्स्ट्रा क्लासेस में सारे बच्चों को जो है दोबारा चीज़ों को रिवाइज कराया जाएगा। 10वीं और 12वीं जो एग्ज़ाम होने वाले बोर्ड के, उसके हिसाब से पूरी उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। पुराने जो सिलेबस है और पुराने जो पेपर्स हैं उनके आधार पर उनकी जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सारे बच्चे जो है इस बार अच्छे मार्क्स से या तो पास हो और ज़िले का जो 10वीं और 12वीं रिजल्ट है वो अच्छा रहे। तो इसलिए पूरे ज़िले में जो है मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं और बताते हुए हर्ष का विषय है कि सभी टीचर्स इसमें जो है बहुत ही मोटिवेशन के साथ में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 10वीं और 12वीं का जो हमारा रिजल्ट है सीहोर ज़िले का वो इस बार बढ़िया रहेगा। सर एक